बर्तन धो रही है। बेटा स्वाति, बेटा मैं जा रहा हूँ, शायद कुछ काम वहां मिल जाए। ठीक है? ठीक है बेटा। पापा। हाँ बेटा। अब होली आने वाली है। हाँ बेटा, होली तो आने वाली है। पहले आपने पिचकारी और रंग मुझे कुछ नहीं दिलाया था, इस बार मैं जरूर लेके रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसे मेरे पास पैसों इंतजाम होगा मैं तुझे रंग जरूर ला के दूंगा, मैं तुझे पिचकारी जरूर ला के दूंगा। ठीक है बेटा, स्वाति इसका ध्यान रखना। दीदी तुम जानती हो आज मेरा जन्मदिन है। हाँ मुझे पता है मेरे भाई का आज जन्मदिन है। दीदी दीदी क्या पापा को पता होगा आज मेरा जन्मदिन है? हाँ क्यों नहीं पता होगा, पापा को पता होगा आज तेरा जन्मदिन है। दीदी पिछली बार भी मेरा पापा जन्मदिन भूल गए थे, शायद इस बार भी ना भूल जाए। नहीं नहीं इस बार कैसे भूल जाएंगे, बल्कि मुझसे ये कह रहे थे तेरा जन्मदिन ना बहुत अच्छे से मनाएंगे। सच्ची दीदी? हाँ सच में। पापा ऐसे कह रहे थे? हाँ। स्वाति। अरे पापा आ गए। हाँ। बैठो मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। पापा। हाँ बेटा। आपको पता है आज क्या है? आज आज तो वीरवार है। नहीं नहीं कुछ और भी है आज। और हाँ 11 मार्च है आज। नहीं नहीं कुछ और है, और सोचो। इससे अलग क्या है बेटा, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। क्या पापा आपको कुछ भी याद नहीं है? चलो तुम बताओ आज क्या है। पापा आज मेरा जन्मदिन है। आज जन्मदिन है तुम्हारा? क्या 11 मार्च को हुआ था ये? हाँ पापा आपको याद नहीं है? अरे बेटा माफ कर बेटा, मुझे याद नहीं रहा आज। पापा पापा आप कैसे भूल सकते हो, हर बार मेरा जन्मदिन भूल जाते हो आप। अरे बेटा अफसोस मैं भूल गया बेटा, मुझे याद नहीं रहा। मेरे दोस्त के पापा कितना अच्छा जन्मदिन मनाते हैं उनका, और आपों के मेरा एक भी बार जन्मदिन नहीं मनाते। पापा अगर आज मम्मी होती तो खूब धूमधाम से मेरा जन्मदिन मनाती, और आपों हर साल भूल जाते हो मेरा जन्मदिन। मम्मी कुछ भी करके मेरा जन्मदिन मनाती, चाहे उनको बर्तन धोना क्यों ना पड़ते लेकिन वो मेरा जन्मदिन मनाती, पर आप हर साल भूल जाते हो मेरा जन्मदिन। हर बाप बच्चों की नजरों में उसका हीरो होता है, लेकिन आप हीरो नहीं जीरो हो। जीरो मुझे नहीं बात करनी आपसे। हे भगवान, हे मेरे दाता, अब तो कहीं काम लगवा दे मेरा, इस काबिल बनाया तूने मुझे कि मैं अपने बच्चों को खुशियां भी नहीं दे पा रहा हूं, उनका जन्मदिन भी नहीं मना पा रहा हूं। भगवान आज मेरा बच्चा मुझे ताने मार के चला गया, ऐसी जिंदगी से तो मुझे मौत दे दे, मेरा मर जाना अच्छा है, ऐसी जिंदगी से तो मौत दे दे। पापा चुप हो जाओ, वो बच्चा है। इस बार नहीं हम अगली बार जन्मदिन मना देंगे, पर आप चुप हो जाओ। माँ किसे कहते हैं, ये सबसे ज्यादा वही जानता है जिसकी माँ नहीं होती। मेरी भी माँ नहीं है। पता है वो तुम्हें कैसे मरी? मैंने उसको दुख दिया। जब मैं पैदा हुआ
मैंने दुनिया में पहली सांस ली और मेरी माँ ने आखिरी सांस ली। कहते हैं भगवान पापियों को सजा देता है, एक नन्हा सा बच्चा क्या गुनाह कर सकता है जो भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। ये भगवान भी अजीब है, किसी की नैया पाल लगाता है तो किसी की मैया मार गिराता है, बेखौफ होकर दुनिया को कठपुतली की तरह नचाता है, अपना वजूद बताने के लिए कहीं आकार लाता है तो कहीं भोचाल गिराता है। जब खुद को माँ की जरूरत पड़ी तो दो माँ का प्यार बटोर लिया। ए देवकी के कोख से जन्म लेने वाले, यशोदा की गोद पे खेलने वाले, माखन नहीं मिलने पर तू माखन चुरा सकता है, पर मुझे ये तो बता मैं माँ का दूध कहाँ से चुराऊं, माँ की ममता कहाँ से लाऊं, माँ का आंचल कहाँ से लाऊं। एक बिन माँ के बच्चे को कौन सुला सकता है, कौन लोरी सुना सकता है। बहुत मुश्किल है भगवान, बहुत मुश्किल है। माँ, माँ अगर आज तू जिंदा होती तो मेरा जन्मदिन खूब धूमधाम से बनता। पापा को कितनी बार कहा पर पापा हर बार भूल जाते हैं। अरे मोनू, कैसे परेशान सा हो रहा है? आज मेरा जन्मदिन था, पापा फिर मेरा जन्मदिन मनाना भूल गए। मुझे पता है होली आने वाली है, पापा होली पे रंग और पिचकारी भी नहीं लाएंगे। मैं जानता हूँ उनकी भी कुछ मजबूरी है। तो तू क्या करने की सोच रहा है? मैं कुछ काम करने की सोच रहा हूँ, क्या तू भी मेरे साथ काम करेगा? मैं क्यों करूंगा, मेरे पापा तो मेरे को सब कुछ लाके देते हैं। दिमाग चल गया शायद इसका। क्या करूं? मैं कबाड़ा चुगने का काम कर लेता हूँ, उससे जो पैसा आएंगे ना मैं अपने रंग पिचकारी और जो पैसे बचेंगे अपनी बहन के लिए कुछ सामान खरीद लूंगा। मोनू, ये क्या कर रहा है बेटा? पापा काम कर रहा हूँ,
ये काम कर रहा है? हाँ पापा। नहीं बेटा, क्यों तू मेरे मुंह पे तमाचा मार रहा है? तुझको पढ़ना है, तुझे बड़ा आदमी बनना है बेटा, मेरे जैसा नहीं बनना। ये कैसा काम कर रहा हो बेटा, क्यों कर रहा हो तुम ऐसा? पापा मैं आपके सर पे बोझ नहीं बनना चाहता। बेटा औलाद कभी माँ बाप के सर पे बोझ नहीं होती, समझे? पापा मैं जानता हूँ इस बार भी होली पे रंग और पिचकारी नहीं ला पाओगे, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। नहीं मेरे बच्चे, तेरे पापा की नौकरी लग गई है, अब की तेरी होली बहुत बढ़िया मनेगी बेटा, बहुत अच्छी मनेगी। फेंक इसको, फेंक। आ मेरे साथ आ। सेठ जी राम राम। राम राम जी राम राम। बस ठीक है, तीन टोली का उड़ा रहा है, रोड़ी बदरपुर और रेता जाना है। तो भिजवाओ हिसाब किताब जरा ध्यान से रखना। नहीं ओके, टेंशन ना लो, माल भिजवा दो तो उनका। हाँ जी ठीक है, जिम्मेदारी तुम्हारी होगी इसमें। सेठ जी फिक्र ना करो, वो जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है, भिजवाओ उनका माल जो भी। हाँ जी मैं ऑर्डर भेज दूंगा, तो सब आई जाएंगे। ठीक है जी, हिसाब किताब सही रखना। चिंता ना करो मैं देख लूंगा, तो माल भिजवाओ उनका फटाफट। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार जी। सेठ जी कोई काम मिलेगा? काम तो मिलेगा, पर अभी यहाँ काम नहीं है। मजदूरी क्या चल रही है तुम्हारी? सेठ जी मेरी दिहाड़ी 300 रुपए चल रही है। 300? हाँ जी भाई, 100 रुपए मिलेगी एक दिन के। ठीक है मैं 100 रुपए में ही कर लूंगा। काम मिलेगा आपको होली के बाद, परसों। सेठ जी परसों नहीं, मुझे तो अभी काम करा लो। आज कोई काम नहीं है, मुझे अपने बच्चों के लिए रंग और पिचकारी लेनी है। नहीं काम मिलेगा परसों, इससे पहले कोई काम नहीं है। देख लो सेठ जी कल होली है, मुझे पैसों की जरूरत तो है। होली हमारी नहीं है, सबकी होली है। बताओ इतने होली से पहले कुछ नहीं होगा, होली के बाद काम करो। फिर कल होली है, कैसे मनाऊं? होली अब कैसे मनाऊं, इसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है कुछ। देख लो सेठ जी। नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, आप जाइए, अभी काम नहीं है, होली के बाद थोड़ा सा देख लो, चाहे थोड़ा सा काम दे दो। होली के बाद काम करना, तभी मिलेगी तुम्हें पैसे, जब काम करोगे। इससे पहले पैसे नहीं है, खुद जेब खाली पड़ी है। ठीक है सेठ जी, ऐसे तो रोज बहकाने वाले कितने आ जाएंगे, पहले काम करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। हे भगवान, मेरा बच्चा इंतजार कर रहा होगा, अब मैं क्या करूं? मुझे तो काम नहीं मिला, वो कल इंतजार में रहेगा रंग और पिचकारी के। कहां से लाऊं रंग और पिचकारी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ए ऊपर वाले, कुछ तो जरिया बना दे तू, कुछ तो जरिया बना दे। एक बेटे की नजर में बाप की इज्जत बनी रहे, कुछ तो कर भगवान। मैं टूट चुका हूं भगवान, मैं टूट चुका हूं। भैया। हाँ जी। वो कुटी वाले मंदिर पे जाना था भैया जी, आगे जाके सामने रास्ता है गली में। अच्छा यहाँ से? हाँ जी स्कूल के पास से ही। अच्छा स्कूल के पास, वहीं है स्कूल भी? हाँ उधर स्कूल है, उधर सामने कुटी है। अच्छा ठीक है जी। ठीक है भैया। दीदी आज होली है, क्या पापा रंग और पिचकारी लाएंगे? जब पापा ने बोला है ना तो वो जरूर लेके आएंगे, तो उदास मत हो। पर वो तो अभी तक आए ही नहीं। आ जाएंगे, आने वाले होंगे। जी सुनिए बाबूजी, आप कौन? मैं राहुल, ये आपके पिताजी ने आपके लिए भिजवाए हैं, ये पिचकारियाँ और गुलाल और स्प्रे है। पिताजी ने भिजवाए हैं? जी ले बेटा। पिताजी कहाँ हैं? वो बेटा बाहर ही है। ठीक है देखो दीदी, ये पिचकारियाँ गुलाल और रंग, हम होली मिलकर खेलेंगे साथ में। अब तो खुश है ना? दीदी दीदी मैं अपने दोस्तों को बुला लूं? हाँ बुला ले। नोनू टीटू सोनू कालो सब आ जाओ, ये हमारे भी रंग आ गए, हम भी होली खेलेंगे। Thank you.
पापा आइए। हैप्पी होली पापा। बेटा ये कैसे? पापा सॉरी, मैंने आपको जीरो बोला था ना, लेकिन आप हीरो हो हीरो। हे भगवान, तू बड़ा दयालु है, तू किसी ना किसी रूप में आ ही जाता है, अपने भक्तों की मदद तू जरूर करता है। हे भगवान, मैं तेरे उस रूप के दर्शन जरूर करना चाहता हूं जिस रूप में तूने ऐसा किया, मेरे बच्चों की मदद की है, मेरे बच्चों की मदद की है। अरे चाचा क्या हो गया? बेटा चक्कर आ गए थे। चाचा कुछ परेशान से लग रहे हो। बेटा वक्त के थपेड़ों ने ऐसा थप्पड़ मारा है, ना मैं जी सकता हूँ ना मैं मर सकता हूँ। ऐसा क्या हुआ चाचा? बेटा कल होली है, मैंने अपने बेटे को वादा किया था कि उसे पिचकारी लाके दूंगा, रंग लाके दूंगा, पर मेरे घर में एक पैसा नहीं है, ना मेरे पास कोई काम है जो उसे रंग लाके दूं। ऐसी जिंदगी से सोचता हूं कि मैं मर जाऊं, मगर मेरे घर में एक जवान बेटी है जिसे देखकर मेरी हिम्मत मरने की नहीं होती। बेटा भगवान मेरे कितने इम्तिहान लेगा बेटा। चाचा कल तुम्हारे बेटे की होली धूमधाम से बनेगी, ये मेरा वादा है। अब तो भगवान पे भरोसा, और मैं क्या कर सकता हूँ बेटा। रो मत चाचा, वैसे तुम रहते कहाँ हो? बेटा जो कुटी का मंदिर है उसके पीछे की स्कूल है, उस स्कूल की दीवार के पीछे मेरी झोपड़ी है, बस वहीं रहता हूँ मैं। अच्छा पापा खाना खाए, हमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। चलो बेटा खाना खाते हैं। दूसरों को खुशी देकर कितनी खुशी मिलती है ये मुझसे पूछिए। आप भी ऐसी खुशी देकर अपनी खुशी का एहसास कर सकते हैं। धन्यवाद। हैप्पी होली।